नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके साथ सामने उपस्थित हुआ हूँ सिलॉक्स के पार्ट फोर के साथ। मैं आपसे होप करता हूँ कि आपने मेरे पिछले तीनों वीडियो देखे होंगे और इन वीडियो को देखकर आपको सिलॉगिज्म के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। आज हम आपके सामने आए हैं सिलॉग्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वो मैं आपके सामने लिखूंगा और उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कितने आसान तरीके से आप लगा सकते हैं और पूरे मार्क्स 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में पूछा गया था ऑल ऑल लायन आर टाइगर सम टाइगर आर रैट एंड सम रैट आर ब्लैक। यानी एग्जाम में ये कथन के तौर पर यानी स्टेटमेंट के तौर पर आपसे पूछा गया था कि कुछ शेर बाघ है, कुछ सभी से बाघ है, कुछ बाघ चूहे हैं, कुछ चूहे काले हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था और उस पर निर्धारित दो कथन आए थे, निष्कर्ष आए थे, जिन निष्कर्ष को मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूं। और इसको आप अगर लगा सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो, फिर आइए इसको डिस्कस करते हैं। दो कथन थे कि पहला नंबर ये था कि ऑल रैट आर लायन और दूसरा नंबर ये था कि सम टाइगर आर ब्लैक। यानी कि कुछ चूहे शेर हैं और कुछ सभी चूहे शेर हैं और कुछ बाघ काले हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था और आपको इस तरीके से आंसर देना था। इनका पहला ऑप्शन था कि ओनली वन, यानी सिर्फ कथन नंबर निष्कर्ष नंबर पहला सही है, ओनली वन इज ट्रू। दूसरा था ओनली सेकेंड इज ट्रू। तीसरा था बोथ आर ट्रू, यानी दोनों सही हैं, बोथ आर ट्रू। और आखिरी नंबर जो इन्होंने ऑप्शन दिया था एग्जाम के पेपर में अपने, वो दिया था नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आपको इसमें से एक बताना था कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है, आपको बताना था। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितने आसान तरीके से जो हमने पिछले तीनों वीडियो में पढ़ा सिलॉग्स के उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में ये किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम नंबर गेन करते। आइए, हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी ऐसा कथन आपको नजर आए तो आपको एक वेन डायग्राम बनाना है जिस डायग्राम के तहत आप अपने निष्कर्ष का उत्तर दे पाएंगे। तो डायग्राम बनाते हैं। हमने आपको बताया था कि ऑल वाला जब भी सीन आए तो आपको ऐसे करना है कि ऑल का एक गोला बनाना है और इसके बीच में क्या लिख लेना है आपको, लॉयन। ठीक है, अब लॉयन लिख लिया, सभी लॉयन क्या है, बाघ है, यानी क्या है, शेर टाइगर बाघ है। अब देखिए ये वाला आपने बना लिया पहले से, सभी लॉयन क्या हो गए, बाघ हो गए। अब क्या कहता है कि सभी बाघ जो है वो चूहे हैं, सभी कुछ बाघ जो है वो चूहे हैं। तो कुछ बाघ हमने आपको बताया था, कुछ में आप ऐसे ऐसा डायग्राम बनाएंगे, देखिए कुछ जो बाघ हो गए ये वाला जो हिस्सा हो गया वो क्या हो गए, चूहे हो गए। अब जो चूहे हो गए, अब इसके बाद अगला देखते हैं कि सम रैट आर ब्लैक, यानी कुछ चूहे जो है वो काले हैं। तो कुछ चूहे हमने आपको बताया था, आप हमेशा डायग्राम ऐसे वाला बनाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जब भी आपका एक इस तरीके का डायग्राम बन जाए और बनने के बाद आपको ये कथन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना और हमारी तीन लॉजिक जो हमने आपको बताई थी और के लिए और चार लॉजिक जो हमने आपको सिलॉग्स के इस सम के लिए बताई थी यानी कुछ के कथन के लिए बताई थी उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसका आंसर देंगे। आइए देखते हैं, चेक करते हैं एक एक करके कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। निष्कर्ष नंबर प्रथम यानी पहला ये कहता है कि सभी चूहे जो है वो शेर है, यानी सभी चूहे जो है शेर है। देखिए हमने आपको पहले जब सन का आपको हम पढ़ा रहे थे पार्ट थ्री में तो हमने आपको बताया था कि जब भी किन्हीं दो के बीच में अगर आपको रिश्ता ना नजर आए तो जब
विशेषता नजर ना आए तो वो क्या हो जाता है, कांट से, यानी आप उसके बारे में बता नहीं सकते, यानी आप उसके बारे में पूर्णता नहीं बता सकते, हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है नहीं हो जाए, इस वजह से हम क्या कहते हैं, कांट से। दूसरा, तो पहला वाला क्लियर हो गया, आइए दूसरे पे चलते हैं कि कहते हैं कि सम टाइगर आर ब्लैक, यानी कुछ जो बाघ है वो क्या है, काले हैं, कुछ बाघ जो है वो काले हैं। देखिए बाघ यहां है, काला यहां है, देखिए इनके बीच में आपको कोई रिश्ता नजर नहीं आएगा। जब आपको हमने पहले भी बताया कि अगर रिश्ता नजर नहीं आएगा तो आपको क्या कहना है, कांट से, यानी ये भी क्या हो जाएगा, कांट से। ठीक है, अब देखिए दोनों कांट से हैं, यानी दोनों के बारे में आप निर्धारित नहीं कर सकते। अब जब दोनों के बारे में आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो हमने आपको एक आइदर ऑर का ऑप्शन बताया था कि या तो ये या तो वो। ठीक है, अभी करना क्या है आपको कि एग्जाम में समय का बहुत महत्वपूर्ण खेल होता है कि अगर कम समय में आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम समय में अगर आप ज्यादा सही क्वेश्चन का आंसर दे दें तो आप अपने आप को मेरिट लिस्ट में पाते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपके आगे दोनों कान से, ठीक है, अब हमने आपको पढ़ा है आइदर ऑर, ठीक है, आइदर ऑर की कंडीशन चेक करने की जरूरत आपको इस पर्टिकुलर केस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आइदर ऑर कहीं लिखा नहीं है, या तो पहला सही उन्होंने पूछा है, या तो दूसरा सही उन्होंने पूछा है, या तो दोनों सही पूछा है, या तो कहा है कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहां देखिए अगर दोनों कांट से है तो इसका मतलब दोनों सही नहीं हो सकते, तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, सही चौथा नंबर, और चौथा नंबर जब आप एग्जाम में लगाएंगे तो आपको इसके पूरे के पूरे 1 मार्क्स गेन कर जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगी चीज, बहुत आसान है, हमारी लॉजिक को लेकर आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आई होप कि आपको समझ में आएगा, एक और क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, और एक और क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार आपके यूपीपी के पेपर में, एक और इस तरह का क्वेश्चन आया था, वो भी लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चीजें होती है। कथन उन्होंने पूछा था कि कुछ महिलाएं सुंदर हैं, यानी सम वुमेन आर ब्यूटीफुल, यानी कुछ महिलाएं सुंदर है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने दिया था सभी, यानी ऑल ब्यूटीफुल आर, सभी खूबसूरत जो है वो लाल है, यानी रेड है ना, और फिर उन्होंने कहा था कि सम यानी कुछ रेड जो है वो पुरुष है, यानी मैन है, ये उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, ये तीन उन्होंने कथन में लिखा था और इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष बनाया था, निष्कर्ष आइए देखते हैं क्या उन्होंने बनाया था, कंक्लूजन, कंक्लूजन उन्होंने बनाया था कि ऑल ब्यूटीफुल आर वुमेन, मतलब सभी खूबसूरत जो है वो औरतें हैं, और दूसरा उन्होंने बनाया था बी पार्ट जो उसका बनाया था, वो कहा था कि सम मैन आर नॉट रेड, यानी कुछ आदमी जो है वो लाल नहीं है, कुछ आदमी जो है वो लाल नहीं है, और इसी के आधार पर आपको वही तीन ऑप्शन पूछे गए थे, पहला ओनली वन ट्रू, दूसरा आपका था ओनली सेकेंड ट्रू, थर्ड आपका था बोथ आर ट्रू, और फोर्थ आपका ऑप्शन था कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको इसमें से पिक करना था कि कौन सा वाला इन दोनों में सही है, आंसर आपका वो आपको बताना था, यानी ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर था। ठीक है, आइए चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसको करते कैसे थे और कैसे इसमें हम पूरे के पूरे मार्क्स हम कम समय में अर्जित कर सकते हैं। चलिए आइए, हमने आपको बताया था इसका ये डायग्राम आपको बनाना होता है सम के लिए, ये देखिए आपने सम बनाया और ब्यूटीफुल या वुमेन है, सम वुमेन यानी कुछ महिलाएं क्या है, सुंदर है, ब्यूटीफुल यानी कुछ महिलाएं क्या हो गई, सुंदर हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी सुंदर क्या है, लाल है, अब देखिए सभी सुंदर क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे,
देखिए किस तरह का डायग्राम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में बनाने के लिए, ठीक है। और फिर आगे क्या कहता है कि कुछ रेड जो है वो क्या है, पुरुष है, है ना। कुछ रेड जो है वो पुरुष है, कुछ रेड जो हो गया आगे मैन हो गए। देखिए इस तरह का डायग्राम आप बना लेंगे। अब डायग्राम बनाने के बाद हमको क्या करना है, अपने निष्कर्ष को ध्यान देते हुए चेक करना है अपने वेन डायग्राम, ये जो हमने चित्र बनाया है इसके आधार पर क्या ये सही है या गलत है, और हमारी जो लॉजिक हमने आपको बताई पिछले तीनों वीडियो में उसको मद्देनजर रखते हुए क्या ये सही है या क्या गलत है, और निकाल के उस हिसाब से हमको अपना आंसर को टिक लगाना है और अपने एक मार्क्स कम समय में तुरंत अर्जित करके चले, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला कहते हैं ये कि सभी सुंदर क्या है, औरतें। औरतें यहां है, सुंदर यहां है ना, सब औरतें यहां है, सुंदर यहां है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि सभी सभी हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सब यानी कुछ है, है ना। यहां कह रहा है कुछ है और निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कथन, अगर जो है वो कथन, अगर कथन कथन जो है वो ऑल का है, ठीक है, तो जो होता है सम सही होता है। लेकिन अगर कथन जो है, कथन जो है आपका वो सम का है, तो इसमें क्या होता है, ऑल जो होता है वो क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। अगर कथन ऑल का है तो सम सही होता है, लेकिन अगर कथन सम का है तो क्या होता है, ऑल उसमें गलत होता है। तो इसके आधार पर कि ये देखिए सम का यह कथन था, सम वुमेन आर ब्यूटीफुल, और यहां क्या पूछा है, ऑल ब्यूटीफुल आर वुमेन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, गलत, ठीक है। अगला चेक करते हैं, सम मैन आर नॉट रेड, मैन और ये क्या हो गया, रेड हो गया। हमने आपको बताया था जब भी दो ऐसे रिश्तेदार आए जिनके बीच में दो रिश्ते हैं, ये गोला नंबर वन और गोला नंबर दो, जब इनके बीच में कोई रिश्ता हो तो आपको क्या चेक करना रहता है, जैसे ये गोला नंबर वन और ये गोला नंबर दो, यानी ये सिलाब का ए और ये बी, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो आप जब भी देखेंगे तो हमने आपसे कहा था कि इधर से इधर सही होता है, इधर से इधर सही होता है, इधर से इधर गलत वाला भी सही होता है, और लेकिन इधर से इधर गलत वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, बताया था हमने वीडियो में अपने, ठीक है। तो देखिए इसमें ये चौथा वाला केस पूछ रहा है कि सम मैन आर नॉट रेड, सम मैन आर नॉट रेड, है ना, सम मैन आर नॉट रेड। तो देखिए ये अगर आप इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, तो हमने आपको बताया था कि सम बी आर नॉट ए, ये क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो गलत होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब दोनों गलत हो जाएंगे तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, चौथा वाला, यानी अगेन क्या आया, नन ऑफ दिस। अगर ये आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो पिछले तीनों वीडियो है उनको जरूर देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आपके लिए देखते हैं कि एग्जाम में कौन सा आएगा। चलिए आइए देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखा आपने बच्चों कितना आसान है इसको समझना, कितना आसान है, अगर आप लॉजिक पे टिके रहेंगे और बेसिक्स को पकड़ के चलेंगे तो कुछ भी नहीं है, एकदम आसान वे में आप इसको समझ सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं करने के लिए, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि ऑल फ्लावर यानी सभी फूल, फ्लावर आर ट्री, सभी फूल जो है वो क्या है, पेड़ है। फिर क्या कहता है कि सम ट्री आर प्लांट, उसने क्या कहा कि सभी पेड़ जो है वो क्या है, पौधे हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है कि ऑल प्लांट आर ग्रास, यानी फिर कहने की कोशिश करता है कि सभी जो पौधे हैं वो क्या है, ग्रास है, ठीक है। अब इन्होंने ये कथन पूछा था पिछले बार एग्जाम में, ठीक है। अब इसके आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष दिया था यानी कंक्लूजन जो उन्होंने लिया था, आइए वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि सम प्लांट आर ग्रास, ग्रास सॉरी ग्रास, यानी कुछ पौधे जो है वो ग्रास है। और निष्कर्ष नंबर दो उन्होंने कहा था कि सम ट्री
ट्री यानी कुछ पेड़ आर नॉट प्लांट, यानी निष्कर्ष नंबर दो उन्होंने कहा था कि सभी पेड़ जो है वो पौधे नहीं है। इन्होंने एग्जाम में ये दो निष्कर्ष उन्होंने दिए थे। अब आइए हमने जो सीखा है अभी तक उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि ये करना कितना आसान था और कितनी आसानी से आप एक नंबर यहां गेन कर सकते थे। ठीक है, इन्होंने वही फिर चार ऑप्शन थे, ओनली वन यानी केवल पहला सही है, फिर सेकेंड वाला जो इनका था वो ओनली सेकेंड मतलब पहला सिर्फ सही है या दूसरा सिर्फ सही है, तीसरा इन्होंने कहा था बोथ आर ट्रू यानी दोनों सही है, और फोर्थ जो इन्होंने कहा था वो कहा था कि नन ऑफ दिस यानी इनमें से ये ऊपर वालों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने टोटल चार ऑप्शन दिए थे। आपको इस कथन को पढ़ना था, इस कथन के अनुसार आपको ये निष्कर्ष लगाना था और आपको अपना आंसर देना था कि इनमें से कौन सा सही है। आइए जो हमने सीखा है उसके आधार पर हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जब भी ऐसा थे तो आपको डायग्राम कैसा बनाना है, ऐसा एक सर्किल बनाया उसमें आपने क्या रखा, फ्लावर रखा है ना, फ्लावर रखा। कहता है कि सभी फूल क्या है, पेड़ है, तो लीजिए सभी फूल क्या हो गए हमारे, देखिए यहाँ ट्री हो गए। ठीक है, अब यहाँ ट्री हो गए। अब फिर उन्होंने कहा कि कुछ ट्री क्या है, प्लांट है, यानी कुछ ट्री, देखिए ये ट्री का कुछ हिस्सा ये हो गया क्या, प्लांट हो गए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि सभी जो प्लांट है वो क्या है, घास है यानी ग्रास है। चलिए सभी प्लांट को हम क्या करते हैं, ग्रास बना देते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए हमारा ये डायग्राम जिसके आधार पर हमें निष्कर्ष को निकालना है वो तैयार हो गया। ठीक है, आइए अब हम एक ही करके निष्कर्ष को चेक करते हैं कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, आइए पहला कहता है कि सम प्लांट आर ग्रास, प्लांट देखिए कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और ग्रास कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि सभी प्लांट ग्रास है, यानी कथन में उन्होंने कहा है कि सभी प्लांट जो है वो क्या है, खरपतवार यानी घास कह लीजिए उसको। ठीक है, यानी ग्रास कह लीजिए इंग्लिश में। ठीक है, और निष्कर्ष में उन्होंने कहा है कि कुछ प्लांट जो है घास है। ये मैंने आपको देखिए यहाँ ऊपर लिख भी रखा था आपको कि अगर कथन जो है वो और का है तो उसमें सम वाला क्या होता है, वो सत्य होता है। देखिए कथन और का था तो निष्कर्ष अगर सम में पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि अगर कहा जाए आपसे कि घर की सारी दीवारें यानी ऑल वॉल यानी सारी दीवारें लाल कलर से रंगी है। ठीक है, ये आपसे कथन कहा गया। उसके बाद निष्कर्ष आपसे कहा जाता है कि घर की कुछ दीवारें लाल हैं, तो आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा कि अगर सारी दीवारें लाल हैं तो कुछ तो उसमें से लाल होंगी होंगी, और जब कुछ लाल होंगी तो ये वाला देखिए हमारी ये वाली लॉजिक आपके लिए सटीक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला सत्य हो जाएगा। आइए दूसरा चेक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कहते हैं कि सम ट्री आर नॉट प्लांट। अब देखिए ट्री कहां है, यहां, प्लांट कहां है, यहां, है ना, ट्री और प्लांट। देखिए ट्री और प्लांट में हमारे जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें रिश्ता नजर आता है आपको। ठीक है, अब जब रिश्ता नजर आता है तो हमने आपको जब सम पढ़ाया था यानी कुछ का पढ़ाया था तो हमने बताया था आपको कि जिन दो गोलों के बीच में यानी जिन दो डायग्राम के बीच में जैसे ये ए है और ये बी है, जिन दो गोलों के बीच में रिश्ता बनता हो, ठीक है, उनके बीच में इधर से इधर वाला क्या होता है, सही होता है। यानी कहा जाए कि सम ए आर बी तो वो क्या होगा, सही होगा। फिर अगर आपसे कहा जाए कि सम बी आर ए यानी कुछ बी ए है तो वो भी क्या होता है, सही होता है। फिर हमने आपको बताया था कि कहा जाए अगर कि सम ए आर नॉट बी तो ये भी क्या होता है, सही होता है। ये हमने आपको बताया था कि सम ए आर नॉट बी ये भी होता है क्या, सही होता है। तो उसी के आधार पर देखिए सम ट्री आर नॉट प्लांट, देखिए ट्री है ये ए और ये क्या हो जाएगा बी, तो देखिए सम ए आर नॉट बी ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और जब ये सत्य हो जाएगा तो हमारा निष्कर्ष नंबर दूसरा क्या होगा, ये भी सही होगा। अब देखिए आपको आंसर कितनी आसानी से मिल गया ना, दूसरा यानी सी नंबर यानी बोथ आर ट्रू यानी दोनों सही है। जब दोनों सही आ जाएंगे तो आप कितनी आसानी से एक नंबर देखिए आपने आप पा लिया है ना, एक मार्क्स आपके तुरंत आ गए और फिर देना 9 सही। ठीक है, अगर आपने हमारे वीडियो को पढ़ा है, समझा है, देखा है और हमारी लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं तो ये सब एक नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। और एक एक नंबर गेन करते करते ही आप
50 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर और मेरिट से काफी ऊपर तक नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं होप करता हूं कि आप सिलॉक्स का पूरा पार्ट समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे ट्यूटोरियल के साथ और सिलॉक्स के साथ ही साथ यूपीपी में आने वाले सभी सब्जेक्ट, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीए जीए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्रैश कोर्स के बारे में दिखाया जाएगा यहाँ से, जो भी ट्यूटोरियल के द्वारा दिया जाएगा वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आपसे निवेदन है कि जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने बहुमूल्य कमेंट को जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आपके साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।